हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से ही हमारे चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम 2020 के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। दोस्तों, समान ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है, पीडीएफ फाइल भी फ्री में टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया है विद आंसर रिविजन करने के लिए। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर प्रैक्टिस सेट 1 देख लीजिए। टाइमिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ, डेली रात 8 बजे और सुबह 10 बजे दो क्लास आएगी, एक टाइम हिंदी और एक टाइम जीके। ठीक है, इस टाइम हम जीके कर रहे हैं, रात 8 बजे आज हम समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर दोस्तों, ये जो क्लास कर रहे हैं ये यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए तो है ही, साथ साथ यूपी लेखपाल के लिए भी है। तो यूपी लेखपाल के लिए भी प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो ये वाली आप जरूर देखें क्लास। तो आज हम करेंगे जीके का प्रैक्टिस नंबर 2। तो जैसा कि आप सभी को बताया, 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और 25 में आपको 20+ आपको अचीव करना, यानी कि टारगेट आपका रहने वाला 20+। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पीईटी, यूपी लेखपाल और चकबंदी लेखपाल के लिए कंबाइंड सिलेबस का एक नोट्स तैयार किया गया है। इस एक ही नोट्स में आपका पीईटी का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल का तो सिलेबस एक ही है। तो यहाँ पर दोनों को कंबाइन करके एक नया नोट्स तैयार किया गया है जिसकी कीमत मात्र 99 रुपीज़ रखी गई है। पीईटी का पूरा पैटर्न यहाँ पर लागू किया गया है। पीईटी के पैटर्न में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जिस तरीके से लेवल में पूछे जाते हैं, ये दूसरे प्रदेशों में पहले से पीईटी एग्जाम हो रहे हैं उनको देखते हुए यहाँ पर क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल का पूरा यहाँ पर मटेरियल दिया गया है, जैसे कि नोट्स आपका ग्राम समाज, हिंदी, जीके, मैथ, आपका शॉर्ट ट्रिक, फिर आपका वन लाइनर, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन। तो लिंक इस नोट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, जितने भी छात्र इच्छुक हैं मात्र 99 करके इसको खरीद सकते हैं। आते हैं, तो ये रहे दोस्तों कुछ प्रैक्टिस वन के टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट्स के नाम, जिन्होंने जिस दिन वीडियो अपलोड हुई उसी दिन टेस्ट सीरीज सॉल्व के लिए प्रैक्टिस सेट लगाया। और यहाँ पर देखिए, ऋषभ द्विवेदी जी हैं जिन्होंने 25 में 23 कहा है, यहाँ पर सही गया है। दूसरे हैं देखिए संजीव, देखिए 25 में 20 उन्होंने भी अचीव किया है। अदिति पाल ने 25 में 22 किया है यहाँ पर, और प्रतीक्षा जी ने किया है 25 में 20। दोस्तों, बहुत अच्छा स्कोरिंग है इन सभी छात्रों का। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा लगातार अभ्यास करते रहें, और आप सब भी ऐसे ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में साथ साथ आंसर करते रहें, और वीडियो कमेंट में बताएं ऐसे ही इसी तरीके से इन लोगों की तरह कि 25 में आपके कितने सही गए। नेक्स्ट वीडियो में आपका भी नाम लिया जाएगा टॉप 5 स्टूडेंट्स का, ठीक है? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कितने सही गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। 51 का राइट आंसर, वेरी गुड। 51 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही हो जाएगा, नेशनल हाईवे 2, ठीक है? और आप लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 51 है तो 51 डाल के डॉट ए बी सी डी जो सही हो इस तरीके से कमेंट करते रहिए, और वीडियो कमेंट में बताना कितने सही गए हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, देखिए महाकवि सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर दें। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके पीटी एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है और यूपी लेखपाल में भी, तो इस सीरीज को सभी छात्र फॉलो करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपी लेखपाल में जितने भी तैयारी कर रहे थे उनको ये क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि पीटी का एग्जाम उनको भी देना पड़ेगा। जब तक आप पीटी नहीं देंगे तब तक लेखपाल भर्ती में बैठ नहीं सकते। तो सबसे पहले आप मोटिव बनाइए कि हमें पीटी क्रैक करना है लेखपाल, तो उसके बाद भी तैयारी हो जाएगी। 52 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर, वेरी गुड, आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है, देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। 53 का राइट आंसर दें, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। 53 नंबर का सही उत्तर, तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा दोस्तों, न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54 है, देखिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी। 54 का राइट आंसर दें, क्वेश्चन नंबर 54, तो 54 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है दोस्तों, 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, बताना है। 55 का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 55 क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, बस्ती। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56 है, देखिए उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी। 56 का राइट आंसर, 56 का सही उत्तर दीजिए फटाफट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 है,
देखिए निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन से युद्ध किया था? 57 का राइट आंसर दीजिए। 57 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सही है, पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 है। देखिए किस मुगल बादशाह के समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, किस मुगल बादशाह के समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया? 58 का राइट आंसर। तो 58 का क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय के समय में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59 है। देखिए पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 59 का उत्तर दें जल्दी जल्दी आप लोग। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, 200 लाइक कायम रखते हैं, मात्र 200 लाइक। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम है आप सभी के लिए, आप लोग इससे ज़्यादा भी लाइक करेंगे अगर आपको पसंद आएगा। PDF फाइल भी आपको प्रैक्टिस वन का टेलीग्राम पे भेज दिया गया है, इसका भी आपको थोड़ी देर में टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों टाइम बता दूँ, ये क्लास जो है GK की वो 10 बजे डेली आएगी सुबह, और आज रात से 8 बजे आपका स्टार्ट होगा हिंदी का प्रैक्टिस वन। ठीक है, तो आज आप सभी लोग रात में आइएगा हिंदी का देखने के लिए। चलिए आते हैं आंसर पे। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। देखिए निम्नलिखित में से किसका सही सम्मिलित नहीं है? देखिए एक तरफ दिया गया संस्था के नाम, एक तरफ दिया गया उससे इनकी स्थापना का वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 60 का बताइए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। वेरी गुड, 60 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सही है दोस्तों। आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो 1908 में नहीं 1905 में हुआ था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 61 है। देखिए कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न आया, 61 का राइट आंसर दें। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? ए ऑप्शन सही है दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है। देखिए निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए, 62 का राइट आंसर। चलिए आई होप आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, 62 का राइट आंसर कमेंट कर दिए, डी वाला सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है। देखिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है इन्होंने संवाद कुमाऊदी एवं मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया, बिल्कुल सही है। तीसरा है 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ये भी सही है। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। देखिए दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह द्वारा की गई थी? 63 का राइट आंसर दीजिए। तो 63 का क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके बताएं, 63 का हो जाएगा बी अकबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है। देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से गृहित किया गया है? 64 का उत्तर दें आप लोग। तो 64 का जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी सही है, आयरलैंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65 है। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः हो सकती है कितनी? 65 का आंसर दीजिए। का क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा, 500 से एवं 60 कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। देखिए भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, यानी कि रिटायरमेंट की आयु क्या है भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की? 66 नंबर का राइट आंसर। वेरी गुड, 66 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, 62 वर्ष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 है। देखिए किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? किस अनुच्छेद के तहत? 67 का उत्तर दें आप लोग। 67 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए सही, अनुच्छेद 352 के तहत।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, देखिए भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 68 का आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर कमेंट करना है आपको, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 68 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी से 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है, देखिए दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ कब किया गया, 69 का राइट आंसर दें आप लोग। सिक्सटी नाइन का क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके बताएं, बी सही यहां पर 3 नवंबर 2017 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, देखिए 12 दिसंबर 2018 को किसने भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर का पदभार ग्रहण किया, 70 का राइट आंसर। सेवेंटी का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शक्तिकांत दास। अगला है क्वेश्चन नंबर 71 है, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई, 71 का राइट आंसर दें। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है 1977, ऑप्शन डी है 1980। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए 71 का, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपना इस रिपोर्ट का स्कोर कार्ड बताइएगा जरूर कमेंट में, 25 में कितने सही गए आपके, जिनके आज ही आप लोग टेस्ट सीरीज देखेंगे कमेंट करेंगे तो मैं आपको टॉप 5 का सेलेक्ट करूंगा और अगले वाले वीडियो में उनका नाम लूंगा और कमेंट भी दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी सही है 1976। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण स्थापना की ये हो चुका है यहाँ पर 72। देखिए निम्नलिखित से में से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, 72 का राइट आंसर दीजिए। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो 72 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, देखिए पुस्तक बेशरम की लेखिका कौन है, 73 का राइट आंसर दीजिए, पुस्तक बेशरम के लेखिका कौन है, 73 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तस्लीमा नसरीन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, कौन सी रबी की फसल नहीं है आपको बताना है, 74 का राइट आंसर। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, 75 का आंसर दीजिए, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा माना जाता है, यह है 75 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है, 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा फिलहाल, ठीक है। फिलहाल 75 to 25 क्वेश्चन करवाए मैंने, कितने सही गए आप लोग कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसी लगी ये भी आप लोग बताइएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा अच्छी लगी हो, और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और अगली क्लास रात 8 बजे होगी हिंदी की, और जो लोग 99 का नोट्स बाय करना चाहते हैं जो कि कंबाइंड नोट्स है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी चकबंदी लेखपाल राजेश लेखपाल तीनों का कंबाइंड सिलेबस करके यहाँ पर नोट्स तैयार किए गए मात्र 99 रुपीज़ में, जिनको भी लेना है लिंक इस नोट्स का इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से इसको खरीद सकते हैं, और अगली क्लास रात 8 बजे आएगी आप लोग देखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।